हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बेसिकली अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी क्वारंटाइन के रिलेटेड, कि जो फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, या जिस कंट्री से वो साइप्रस में आ रहे हैं, उन लोगों को क्वारंटाइन में फ्री रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी उनको डॉर्म फ्री देगी, उनसे सिर्फ अपने जो फूड एक्सपेंस हैं वो लेंगे। ये बेसिकली वीडियो आज मेरी उसी के ही समझ लें कि एक पार्ट टू है। कुछ लेटेस्ट और मज़ीद अपडेट्स आई हैं इस चीज़ को लेके, काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं ये आप लोगों के लिए। तो मैं खुद हैरान हुआ कल ये सुन के, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो अगेन बना देनी चाहिए ताकि आप लोगों को मज़ीद इंफॉर्मेशन एंड अपडेट चले जाए आप लोगों तक। तो सीन अब कुछ ऐसे है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कल अनाउंसमेंट हुई है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, जिन जिन कंट्री से आ रहे हैं स्टूडेंट्स साइप्रस में स्टडी वीज़े पे, वो 4400 TL पे करेंगे, 4400 TL पे करेंगे। अगेन मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं साइप्रस में स्टडी के लिए, उनको क्वारंटाइन में रखने की फ़ीस 4400 होगी, 4400 TL, 4400 TL। अब ये उन्होंने क्यों डिसीजन लिया है, क्या डिसीजन लिया है, फाइनल डिसीजन है या क्या है, इसको लेके अभी फ़िलहाल अभी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये उनका फ़ाइनल डिसीजन ही है। उन्होंने कल अनाउंसमेंट की है ये कि यूनिवर्सिटी, अगेन मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड कुछ भी नहीं देगी, उनसे 44,100 चार्ज करेगी। उसके बाद आपकी फ़ूड भी फ्री होगी और आपको 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यार ये एक बहुत ही सैड और अजीब सी न्यूज़ है, पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटी कर रही है, जबकि यूनिवर्सिटी को ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फीसिस पे करके आ रहे हैं। आई नो के कम फीस नहीं होती, यूरो में फ़ीस है इतनी ज़्यादा, और क्यों वो उन्होंने ये स्टेप लिया। वेल ये अपडेट थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो मैंने शेयर कर दी। इसके अलावा एक मैंने वीडियो बनाई थी कि यूनिवर्सिटी 500 TL भी आपको पे करेगी। अब वो जो 500 TL है वो भी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बार पे करेगी, 500 TL एक बार पे करेगी यूनिवर्सिटी आप लोगों को। अगेन एंड अगेन बता दूं कि जब जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे, जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपने यहाँ पे, और जो इन शॉर्ट जो न्यू सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनको 500 TL यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बार पे करेगी। अजीब सी सिचुएशन हुई पड़ी है, कोरोना ने तो अजीब एक ना पता नहीं क्या कर दिया हुआ है। वेल ये अपडेट थी मेरी, तो इंशाल्लाह मज़ीद किसी और अपडेट के साथ मिलेंगे। इंशाल्लाह कोई और अच्छी सी अपडेट हुई तो मैं, अच्छी नहीं बुरी है, ये फ़िलहाल ये तो बुरी है, कोई और अपडेट मिली या इस अपडेट को लेके कोई मज़ीद अपडेट हुई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।